I am Dr. Garima Sachi. Welcome you all in my YouTube channel. चलिए फ्रेंड्स, आज हम सभी मलेरिया के बारे में बात करते हैं, जो कि इस वेदर में, बारिश के सीजन में काफी कॉमनली स्प्रेडिंग डिसीज है। आप सभी जानते हैं कि मलेरिया मच्छर के काटने से फैलता है, तो चलिए आज इसी बारे में चर्चा करते हैं। फ्रेंड्स, उसके पहले यदि आप सभी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप सभी को हमारे वीडियोस के अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसके लास्ट में हम आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताएंगे, जो कि मलेरिया को क्योर करने में काफी हद तक हेल्पफुल हो सकती है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं मलेरिया के बारे में। चलिए आइए सबसे पहले हम इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं। तो मच्छर के काटने के 8 से 25 दिन में इसके सिम्टम्स आते हैं। तो मच्छर ने जैसे आज काटा, तो उसके 8 दिन बाद कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन उसके सिम्टम्स शो कर सकता है कि उसे मलेरिया है। और सिम्टम्स में जो मेनली आते हैं, तो वो है, सबसे पहला सिम्टम है हेडेक होना, मतलब काफी ज्यादा तेज सिर दर्द होगा, फीवर होगा, बुखार आएगा जो कि काफी तेज भी हो सकता है, 103-104 को क्रॉस भी कर सकता है, शिवरिंग के साथ होगा, मतलब ठंड लगेगी, कपकपी आएगी, बुखार के साथ ठंड लगने का, चिलिंग का सिम्टम होता है, जॉइंट पेन, जोड़ों में दर्द देखने मिल सकता है, घुटने में दर्द देखने मिल सकता है, काफी सीवियर पेन भी हो सकता है। और इसकी सीवियरिटी, मलेरिया की सीवियरिटी बढ़ेगी, कॉम्प्लिकेशंस के साथ वॉमिटिंग हो सकती है, हीमोलिटिक एनीमिया मींस आरबीसीज का ज्यादा से ज्यादा टूटना, और उसकी वजह से हीमोलिसिस होना, हीमोलिसिस होना मतलब आरबीसीज टूटेंगी, हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट ज्यादा होंगी, उस वजह से हीमोग्लोबिन भी आगे फर्दर डिस्ट्रक्ट होगा और एनीमिया कॉज करेगा, हीमोलिटिक एनीमिया ये भी देखने मिलता है, जॉन्डिस भी हो सकता है इसी की वजह से, रेटिनल डैमेज, आंखों में भी डैमेज आ सकता है मलेरिया के पैरासाइट के इन्फेक्शन की वजह से। और साथ ही साथ जब यदि ये ब्रेन में इन्फेक्ट कर गया, तो सेरिब्रल मलेरिया भी होता है और कन्वर्जन्स भी ला सकता है। अब इसका क्लासिकल सिम्टम क्या है मलेरिया का, तो पैरोक्सिज्म में होता है, एक पीरियोडिकल ऑर्डर चलता है, सबसे पहले होती है कोल्डनेस, ठंड दे के शिवरिंग के साथ फीवर आएगा, पहले ठंड लगेगी, कपकपी होगी, फिर फीवर आएगा और उसके बाद स्वेटिंग होगी, तो ये एक पूरी साइकिल चलती है, वापस स्वेटिंग के बाद वापस फिर ठंड लगेगी, फिर बुखार आएगा और फिर स्वेटिंग होगी, इस तरह से इसके सिम्टम्स आते हैं, पीरियोडिकल साइकिल में चलते हैं। अब इसके कुछ टाइप्स हैं, जैसे हर 2 दिन में बुखार आया तो वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की वजह से होता है। प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया का पैरासाइट है, उसकी कुछ वैरायटीज हैं, 5 वैरायटी के होते हैं मेनली, तो वाइवेक्स वाला जो वैरायटी है वो हर 2 दिन में फीवर कॉज करता है, वो कहलाता है टर्शियन फीवर, टर्शियन फीवर 2 दिन का। नेक्स्ट है क्वार्टन फीवर, क्वार्टन मतलब होता है हर 3 दिन में बुखार आता है और वो होता है मलेरिया जो प्लाज्मोडियम वैरायटी का है, उसकी फेल्सीपेरम वैरायटी की वजह से हर 3 दिन में बुखार आता है। और साथ ही साथ प्लाज्मोडियम मलेरी की वजह से भी हर 3 दिन में बुखार देखने मिलता है। रिकरेंट मलेरिया भी हो सकता है और हर 36 से 48 घंटे में फीवर आता है, मींस 1-2 दिन बुखार रहेगा, फिर ठीक होगा, वापस फिर 2 दिन बुखार आएगा, रिकरेंसी बनी रहती है, तो भी मलेरिया का डायग्नोसिस करवाया जाता है। और साथ ही साथ कई बार ऐसा भी होता है कि कंटिन्यूस फीवर बना रहता है, जो बुखार ठीक हुआ, वापस रिगेन हुआ, फिर ठीक हुआ, ऐसी स्टेजेस ना आकर एक कंटिन्यूस फीवर बना रहता है। अब हम इसकी कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं, तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है सेरिब्रल मलेरिया, मतलब दिमाग में बुखार का चढ़ना या मलेरिया होना, इस वजह से न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स ज्यादा देखने मिलते हैं, यानी नर्वस सिस्टम के अफेक्शंस, तो नर्वस प्रॉब्लम होने की वजह से पॉस्चर एबनॉर्मल हो जाए, प्रॉपरली
पॉस्चर ना रह पाए, निस्टैग्मस हो जाए, आंखों में अफेक्शन देखने मिलता है, गेज पाल्सी हो जाती है। पाल्सी की वजह से आंखें जो दोनों हैं वो एक साथ प्रॉपरली मूव नहीं कर पाती हैं एक डायरेक्शन में कि इस तरफ की है तो इस तरफ देखें, इस तरफ की तो इस तरफ देखें, ऐसा नहीं हो पाता है। साथ ही साथ ऑपिस्थोटोनस कंडीशन भी डेवलप हो जाती है कई बार मलेरिया की वजह से। ऑपिस्थोटोनस मतलब धनुष टंकार वाली बीमारी जैसा दिखना, बॉडी का पॉस्चर वैसा हो जाना, कन्वर्जन्स आने लगते हैं, सीजर्स आने लगते हैं, झटके जिसे कहते हैं हिंदी में, और साथ ही साथ कोमा भी देखने मिल सकता है। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जो होता है वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस की वजह से होता है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा सांस लेने में तकलीफ होने लगती है पेशेंट्स को, और साथ ही साथ निमोनिया और एनीमिया भी देखने मिल सकता है। नेक्स्ट है कि रीनल फेलियर भी देखने मिल सकता है। मलेरिया की जो मेडिसिन होती हैं वो रीनल फेलियर कॉज करवाती हैं, जिस वजह से किडनी में अफेक्शंस आते हैं, और साथ ही साथ रीनल फेलियर के जो रीजन है वो ये है कि मैक्सिमम ब्लड आरबीसीज जो है वो ब्रेक डाउन होती है और हीमोग्लोबिन टूटता है और वो यूरिन में आता है। तो हीमोग्लोबिन जब यूरिन में आता है तो ब्लैकिश या रेडिश यूरिन भी देखने मिल सकती है और वही ब्लैक वाटर फीवर कहलाता है। नेक्स्ट है कि एनलार्ज्ड लिवर या स्प्लीन देखने मिल सकता है, जिसे हेपेटोमेगैली और स्प्लीनोमेगैली भी कहते हैं। तो इन ऑर्गन्स में भी एनलार्जमेंट देखने मिल सकता है, इन ऑर्गन्स का भी बढ़ना हो सकता है इसकी कॉम्प्लिकेशन में। इसके बाद हम बात करते हैं तो मदर को यदि प्रेगनेंसी टाइम में मलेरिया हो जाए तो बेबी का अबॉर्शन भी हो सकता है, साथ ही साथ स्टिल बर्थ भी हो सकता है कि बच्चा पैदा होते से मर जाए, या फिर एक साल के अंदर उसकी डेथ हो जाए, ऐसी कंडीशंस भी देखने मिलती है, या एबनॉर्मल डेवलप्ड चाइल्ड पैदा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं मलेरिया की। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसके कॉजेस की बात करते हैं। मलेरिया का जो मेन कॉज है वो ये है कि मॉस्किटो के काटने से होता है, लेकिन प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट है जो कि मच्छर द्वारा फैलाया जाता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। अब इसकी कुछ वैरायटीज हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम मलेरी, ये दो कॉमन हैं जो कि मलेरिया कॉज करवाते हैं नॉर्मली ह्यूमंस में। इसके अलावा जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है और प्लाज्मोडियम ओवेल है वो लेस कॉमन है। अब फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के काटने से मलेरिया होता है, मेल नॉर्मली जब भी रहे मच्छर वो कभी ह्यूमन को नहीं काटते हैं, वो अक्सर प्लांट पे फीड करते हैं, पौधों पे फीड करते हैं, जबकि फीमेल मॉस्किटो वो ही एकमात्र मॉस्किटो है जो कि ह्यूमन को काटे तो उससे मलेरिया फैल सकता है। मच्छर एक इन्फेक्टेड पर्सन को काटता है तो प्लाज्मोडियम के स्पोर्स और गैमिट्स लेने के बाद उसको अपने अंदर फ्यूजन करवाता है, मैच्यूरेशन करवाता, और नॉन इन्फेक्टेड पर्सन को दोबारा काटकर उन स्पोर्स को छोड़ता है। तो एक नॉन इन्फेक्टेड से इन्फेक्टेड तक की साइकिल ऐसे कंटिन्यूस चलती रहती है। तो मच्छर इस तरह से मलेरिया फैलाता है और दूसरे पर्सन की जो नॉन इन्फेक्टेड है उसके ब्लड स्ट्रीम में वो सारे स्पोर्स छोड़ता है और फिर उसके बाद ह्यूमन के अंदर ये साइकिल कंटिन्यू चलती है और मलेरिया के पैरासाइट्स जो हैं वो डेवलप होते हैं और सिम्टम्स प्रोड्यूस करने लगते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये जानते हैं कि ये किस मौसम में ज्यादा होता है। तो स्प्रिंग में, ऑटम में ज्यादा देखने मिलता है और मेनली बरसात के मौसम में सबसे ज्यादा मलेरिया फैलता है। जेनेटिक रेजिस्टेंट है कुछ डिसीजेस मलेरिया के लिए, जैसे कि सिकल सेल, जिस पर्सन को सिकल सेल की बीमारी है या थैलेसीमिया की बीमारी है उनको मलेरिया कभी नहीं होता है, वो जेनेटिकली रेजिस्टेंट है इस चीज के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं मलेरिया की डायग्नोसिस के बारे में। अब इसका सबसे पहला टेस्ट है कि ब्लड टेस्ट करवाया जाता है मलेरिया के लिए, प्लेटलेट काउंट भी देखे जाते हैं कि वो गिर तो नहीं रहे हैं, लो होते जाते हैं मलेरिया के केस में, और फर्दर डायग्नोसिस में हम देख सकते हैं कि लिवर एनलार्ज्ड है या स्प्लीन एनलार्ज्ड है, ये सब चीजें देखी जाती हैं। अब हम इसका कुछ क्लासिफिकेशन बताएंगे इसका क्राइटेरिया के हिसाब से कि ये सिम्टम्स यदि हैं तो इसका मतलब है कि मलेरिया काफी ज्यादा सिवियर है
अपनी कॉम्प्लिकेशंस की स्टेज पे है और इस टाइम क्योर होना, इसका ट्रीटमेंट करवाना बहुत अति जरूरी है, अति आवश्यक है। तो हम कुछ सिम्टम्स का क्राइटेरिया जानते हैं। सबसे पहले डिक्रीज्ड कॉन्शियसनेस, मतलब पेशेंट को होश ना रहे, अनेबल टू वॉक प्रॉपरली, चल ना पाए, अनेबल टू फीड प्रॉपरली, खा ना पाए, दो या दो से ज्यादा उसे कन्वर्जन्स आने लगे एक दिन में 24 घंटे के अंदर, साथ ही साथ उसका ब्लड प्रेशर लो होता जाए, गिरता जाए, ब्लड प्रेशर लो होगा और साथ ही साथ प्लेटलेट काउंट भी गिरती जाए। ये कुछ सिम्टम्स का कलेक्शन है। इसके अलावा भी और कुछ सिम्टम्स हैं जो कि आपको ये बताते हैं कि मलेरिया कॉम्प्लिकेशन की तरफ बढ़ रहा है। साथ ही साथ ब्लीडिंग प्रॉब्लम होने लगे, काफी ज्यादा ब्लड बहने लगे, शॉक की कंडीशन डेवलप हो जाए, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाए, सांस ना ले पाए पेशेंट, सर्कुलेटरी शॉक होने लगे या फिर एसिडोसिस होने लगे बॉडी में, पल्मोनरी इडिमा मतलब लंग्स में उसे स्वेलिंग आने लगे, मतलब सांस भारी होने लगे, सांस ना ले पाए तो भी एक रहता है कि पल्मोनरी एडिमा हो रहा है, लंग्स के आसपास सूजन आ रही है, और साथ ही साथ हीमोग्लोबिन उसका काफी गिरता जाए, 5 ग्राम पर डीएल से ज्यादा लो हो जाए, या 5 ग्राम पर डीएल भी हुआ तो भी ये चीजें बताती हैं कि पेशेंट की कंडीशन कॉम्प्लिकेशन में है, पेशेंट ज्यादा बीमार है, उसको ट्रीटमेंट की आवश्यकता अत्यधिक है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसके कुछ प्रिवेंशन जानते हैं कि मलेरिया से कैसे बचा जाए। वैसे आप सभी इस चीज से काफी हद तक अवगत हैं, फिर भी आज इसको हम आपको बताना चाहते हैं। जैसे मलेरिया के लिए मच्छरों से बचना जरूरी है, सबसे पहले मच्छरदानी लगाएं, शाम के वक्त या रात के वक्त आप मच्छरों से बचें, क्योंकि उसी वक्त मच्छर ज्यादा काटते हैं, तो मच्छरदानी का प्रयोग करें, या ऑल आउट या कछुआ होता है लगाने के लिए, वो सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ इंसेक्ट रिपेलेंट्स आते हैं या डीडीटी का छिड़काव किया जाता है, तो इसके द्वारा भी मच्छरों से बचा जा सकता है। कूलर में या फिर किसी गड्ढे में गंदे पानी को इकट्ठा ना होने दें, गंदे पानी में सबसे ज्यादा मच्छर पनपते हैं, और घर के आसपास कचरा इकट्ठा ना होने दें। इस तरह से मलेरिया से बचा जा सकता है, मच्छर के काटने से बचा जा सकता है। इसका एलोपैथिक ट्रीटमेंट में एंटी मलेरियल ड्रग्स दिए जाते हैं। चलिए अब हम इसके होम्योपैथिक कॉज, होम्योपैथिक केस और होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं। तो इसका जो कॉज है कि पर्सन की इम्यूनिटी जितनी लो होती है उतना ज्यादा ससेप्टेबल होता है कोई भी पर्सन मलेरिया के लिए, और यदि मलेरिया सीवियर है, हाई ग्रेड फीवर है, तो उसके पीछे का कॉज एंगर होता है। चलिए अब हम हमारे एक होम्योपैथिक केस के द्वारा जानेंगे जो कि क्योर्ड है मलेरिया का। चलिए अब हम अपने एक होम्योपैथिक केस के द्वारा जानते हैं कि मलेरिया होम्योपैथी द्वारा भी इजीली क्योरेबल है। अ गर्ल जिसकी एज 13 इयर्स थी, काफी ज्यादा तेज बुखार था, 1 वीक से सफर कर रही थी, एंटीबायोटिक्स लेती थी, वापस रिकरेंट फीवर आता जाता था, ठंड दे के बुखार आ रहा था और इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर था, जैसे ही शाम बढ़ती फीवर बढ़ जाता था, तो वो एंटीबायोटिक्स ले रही थी बट रिकरेंसी थी, और ये फीवर उसका ऐसा रिटर्न हो रहा था, हर महीने ये कंडीशन डेवलप हो रही थी, मीन्स क्रॉनिक मलेरिया हो गया था। पिछले 3-4 महीने से ऐसे पैरोक्सिज्मल उसको अटैक्स आ ही रहे थे मलेरिया के, और उसका एक पीरियोडिकल साइकिल चल रहा था कि चिल, फिर थर्स्ट, मतलब ठंड लगेगी, फिर प्यास लगेगी, फिर हीट, फिर थर्स्ट और फिर फीवर, ऐसा एक साइक्लिकल उसकी पीरियोडिसिटी मेंटेन्ड थी। एनेमिक अपीयरेंस है, काफी ज्यादा ब्लड लॉस हो गया था, तो पेल लग रही थी, साथ ही साथ उसकी हिस्ट्री में कि ओवर सेंसिटिव थी कि कोई भी उसे देखे ना, ओवर सेंसिटिव टू लुक्ड एट, उससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कोई भी उसे देखे, साथ ही साथ उसको सिर्फ और सिर्फ डिजायर्स थी फ्रूट्स की कि सिर्फ उसे फल खाना है, खाना वो 1 हफ्ते से खा ही नहीं रही थी। अब इसका जो इंसिडेंस लिया तो एक्सीडेंट हुआ था उसका, एक्सीडेंट में क्या हुआ कि ब्लड लॉस काफी सीवियर हो गया था उस एक्सीडेंट में इसका, और उस वजह से वो डिलीरियस स्टेट में चली गई थी, काफी बड़बड़ कर रही थी फ्लूइड लॉस की वजह से। तो एक रूब्रिक था डिलीरियम लॉस ऑफ फ्लूइड्स फ्रॉम, और दूसरा रूब्रिक था एलिमेंट फ्रॉम बैड न्यूज,
उस एक्सीडेंट में उसके डॉग की डेथ हो गई थी, तो उसको उस चीज का शॉक लगा था कि बैड न्यूज सुनी, उस वजह से उसमें एलिमेंट आया था। क्रॉनिक केस है, इस वजह से डिलीरियम को प्रेफरेंस दिया गया। एलिमेंट फ्रॉम बैड न्यूज ऑटोमेटिकली कवर हो गया और फाइनली चाइना 200 मेडिसिन दी गई। विद इन 5 डेज वो पूरी तरह से रिकवर कर गई। उसकी जो ये पीरियोडिसिटी थी फीवर की वो वापस कभी नहीं आई। चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करते हैं जो कि मलेरिया को क्योर करने में काफी हद तक हेल्पफुल हो सकती हैं। सबसे पहली मेडिसिन है लैकेसिस। तो लैकेसिस में जो मलेरिया आता है वो एवरी स्प्रिंग, हर स्प्रिंग सीजन में उसे मलेरिया होता है, एनुअली रिटर्न है उसका फीवर का। और साथ ही साथ ये रेस्टलेस होता है पेशेंट, चेंजिंग प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह कंटिन्यूस मूव करेगा। इसमें चिल होगी और हीट होगी, मतलब ठंड और गर्मी अल्टरनेट करेगी। थोड़ी देर में पेशेंट को ठंड लगेगी, थोड़ी देर में पेशेंट को गर्मी लगेगी। और साथ ही साथ जो क्विनाइन मेडिसिन ली जाती है मलेरिया के लिए एंटी मलेरिया ड्रग्स के रूप में, उसके सप्रेशन की वजह से रिकरेंसी बनी होती है। ऐसे केसेस के लिए लैकेसिस काफी हद तक हेल्पफुल हो सकती है। यदि ये फीवर काफी बढ़ जाए तो सिफिलिटिक स्टेज में चला जाए, सोरो सिफिलिटिक फीवर बन जाए, तो पेशेंट जो है वो काफी हद तक क्लेयरवॉयंट या प्रोफेटिक भी हो सकता है। तो लैकेसिस काफी हद तक हेल्पफुल होगी उस केस में। और ये जो प्रोफेसिंग या फिर क्लेयरवॉयंस क्या है, तो उसने जो सपना देखा वो सच हो जाना या उसको आभास हो जाना कि आगे क्या होने वाला है, कोई की डेथ है, उसे पहले से महसूस हो जाए कि वो मरने वाला है, तो इस तरह की प्रोफेसीज या क्लेयरवॉयंस भी देखने मिलती है लैकेसिस के पेशेंट में। और साथ ही साथ लैकेसिस का पेशेंट काफी मैनिपुलेटिव होता है, श्रीउड होता है, धूर्त जिसे कहते हैं, काफी चालाक होता है, डिक्टेटोरियल होता है, डोमिनेटिंग होता है, बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है, और साथ ही साथ टिमिड भी होता है, दूसरों से डरता भी है लेकिन फिर भी वो डिक्टेटोरियल रहता है। लेफ्ट साइडेड कंप्लेंट्स इस पेशेंट में ज्यादा देखने मिलती है। तो ये पूरे सिम्टम्स यदि मिलते हैं तो लैकेसिस काफी हद तक हेल्पफुल हो सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन है लाइकोपोडियम। तो इसमें जो होता है मलेरिया एनलार्ज्ड लीवर के साथ होता है और साथ ही साथ इसे आईजी कोल्डनेस फील होती है, मतलब बहुत ही ज्यादा जैसे बर्फ पे लेट गया हो पेशेंट, ऐसी ठंड महसूस होती है। और इसकी जो चिल है कि एक चिल फॉलोड बाय अनदर हीट, फिर अगेन चिल, चिल हीट, चिल हीट, ऐसा चलता है, मतलब ठंड लगेगी फिर गर्मी लगेगी फिर ठंड लगेगी फिर गर्मी लगेगी और उसके बाद वॉमिटिंग होगी क्योंकि लिवर कंप्लेंट्स इसके साथ एसोसिएटेड है। लिवर जो है वो वॉमिटिंग करवाता है लाइकोपोडियम के केस में, मतलब लाइकोपोडियम इन केसेस के लिए काफी हद तक हेल्पफुल हो सकती है। और साथ ही साथ इसका जो मेंटल नेचर देखें, मेंटल बिहेवियर देखें, तो पेशेंट काफी क्वारलसम होता है, डिक्टेटोरियल होता है, अपने से छोटों पे काफी हार्ड और रूड रहता है उनके साथ, और जो बड़े होते हैं उनके प्रति काफी ज्यादा पोलाइट रहता है, सॉफ्ट रहता है, वीपिंग टेंडेंसी होती है। और इसका फीवर 4 से 8 के बीच में बढ़ता है, दोपहर के 4 से रात के 8 के बीच में। इसका एक पिक्यूलियर ये टाइम है कि इसी टाइम में मलेरिया भी होगा तो वो पीरियोडिकल इसी टाइम एग्रावेशन शो करेगा। और इसकी जो वॉमिटिंग होगी वो काफी सार रहती है, बहुत ऐसी खट्टी डकारे आएंगी पहले और उल्टी हो जाएंगी। और ये जो पेशेंट है ये अक्सर एक सब्जेक्ट पे बात करता है, यदि उसने साइंस के बारे में बात करना चालू किया तो उसी बारे में काफी रिपीटिशन करता रहेगा, हेल्थ के बारे में बोल रहा है तो भी उसी बारे में कंटिन्यू बात करेगा, तो टॉक्स ऑन वन सब्जेक्ट। तो ऐसे केसेस के लिए लाइकोपोडियम काफी हद तक हेल्पफुल हो सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन है यूपेटोरियम परफोलिएटम। तो इसमें टर्शियन और क्वार्टन वैरायटी का मलेरिया फीवर, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं क्या होता है, वो देखने मिलता है। और इसमें जो मेनली है सुबह 7 से 9 बजे तक इसमें एग्रावेशन देखने मिलता है और बोनी पेन होता है, हड्डियों का बुखार कहते हैं या हड्डियों में दर्द होना जो आम भाषा में लोग कहते हैं, उस टाइप का दर्द भी होगा और फीवर भी देखने मिलेगा। और पेशेंट को एक डिल्यूजन रहता है कि शाम के वक्त वो आउट ऑफ माइंड हो जाता है, उसे मतलब कुछ चीजें समझ नहीं आती है, काफी कंफ्यूजन में रहता है और कंटिन्यूस एकिंग बॉडी पेन उसको बना रहता है।
और पसीना आने पर, पसीने वाली मतलब परस्पिरेशन की स्टेज आने पे इसका फीवर भी कम होता है, पेशेंट को भी अच्छा लगता है, उसका एमेल्योरेशन होता है। तो ऐसे केसेस में यूपेटोरियम परफोलिएटम काफी हद तक हेल्पफुल हो सकती है। लास्ट मेडिसिन है मैग्न्यूर। इसमें 14 डेज एग्रावेशन होता है और 14 डेज एमेल्योरेशन होता है, मतलब 14 दिन बुखार की स्टेज चलेगी और 14 दिन पेशेंट काफी ठीक रहेगा। इस पेशेंट को काफी ठंड लगती है, मतलब स्टोव के पास यदि ये काम भी करे, उस गर्मी के एनवायरनमेंट में काम भी करे तब भी उसे ठंड लगती है, स्टोव के पास भी। और साथ ही साथ जब हीट की स्टेज होती तब भी वो अनकवरिंग बर्दाश्त नहीं करता, मतलब उसे कवर करके ही लेटना है, तो हीट स्टेज में भी अवर्जन टू अनकवरिंग है। और इसकी स्वेटिंग रात में 12 बजे से सुबह मॉर्निंग तक इसे कंटिन्यूस स्वेटिंग होती है, और इसे शडरिंग होती है, मतलब एकदम से थोड़ा सा कांप जाएगा थोड़े टाइम के लिए, लेकिन जो शडरिंग होगी वो काफी सिवियर होगी। इसके साथ ही मेंटल सिम्टम्स देखें तो सेंसिटिव टू नॉइज है, इसे जरा भी आवाज बर्दाश्त नहीं होती है, और इसका एक डिल्यूशन या भ्रम है कि वो फ्रेंडलेस है, उसका कोई दोस्त है ही नहीं। चलिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यही कंप्लीट होता है, जल्दी मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। और लास्ट में जो मेडिसिन आपको बताई गई हैं वो डॉक्टर की कंसल्टेंसी के बिना आप मत लीजिएगा, डॉक्टर से कंसल्ट करें उसके बाद ही कोई मेडिसिन लें। और यदि आप सभी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप सभी को हमारी वीडियोस के अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। स्टे कनेक्टेड टू स्टे हेल्दी। थैंक यू।